ये ओपन फिर आपका क्राइटेरिया ये हो गया, क्राइटेरिया ये हो गया। अंदर तो सारा सेम रहेगा, बस जो टैरिफ है ये बालकनी में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर कम हो जाती है क्योंकि इसका फ्लोर भी ज़्यादा होती है। अब ये फ्लोर कौन सा मिलेगा हमको जो मिलेंगे तो? ये देख रहे हो आप, ये होगी सेम, ऊपर देखिए आप बालकनी, हाँ हाँ हाँ, ये मिलेगी आपको ऊपर। ठीक है ठीक है, ये तो खैर पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं बिल्डर। हाँ हाँ हाँ, इसमें 203 है, 204 है, है एक रूम ये हो गए। हमेशा आपको यानी कि अंधेरा नहीं रहेगा फ्लैट के अंदर, रोशनी सारे रूम में रोशनी रहेगी। हाँ क्या है, बन चुका है यहाँ पर। आप प्लान देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग जा रही है, यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये अटैच बेडरूम का शाफ्ट है। उधर वो स्टेज में आप कुछ भी कर सकते हो, यूटिलाइज करते हो, साफ नहीं है वो, साफ नहीं है। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो। ये बात भी लोगों ने ना कवर करवा के उड़ा अटैक वाली। ओके सर, वो तो छोटा कंस्ट्रक्शन पार्टी आपने देखे होंगे फ्लैट, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन पार्टी लगी है। बाहर खड़े होकर देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि क्या है सोसाइटी, और वैसे ही टेरेस आगे जाएगा इसका। ये बालकनी एक्सेल है ना? हाँ ये, ये तो सब में एल शेप बालकनी होगी, ये वाली बालकनी सब में यही बिल्कुल इसी तरह होगा सब। ये यहाँ से सीधा ऊपर तक देखेंगे क्या है, वो जो तीसरा टॉयलेट ही हो गया आपका, थ्री बेडरूम थ्री टॉयलेट, थ्री बेडरूम 1530 में थ्री बेडरूम। बोलो चल रही है, बहुत अच्छा भी। अच्छा, ये वर्ड सिक्स लैंड फाइव है। इसमें बालकनी बहुत छोटी है इसमें। ये बालकनी यहाँ तक की है इसमें सर, तो बहुत छोटी बालकनी हुई यहाँ पर, यहीं तक बालकनी आ रही है इसमें। नहीं नहीं वो नहीं, यहाँ पर यहीं तक है सर। अच्छा, सर्वेंट बाहर सही है, सर ये है 1180 का फ्लैट। 1180 में हम 2+ स्टडी बना रहे हैं। आप ये एंट्री करते हो सर 1180 स्क्वायर फीट में, ये आपका हॉल है 11x22 का। ठीक है सर, सबसे अच्छी बात इसमें यह है सर, माई वन से बन रहा है, इसमें आपका सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। सर ये हमारा स्टडी रूम है, ये आप देख रहे हो 8x9 का, ये पूरा स्टडी रूम है। उसको सर इस रूम के बाद में ये आपका आ जाता है सर, एक रूम एक्स्ट्रा आ जाता है, ये आपका 11x11 का साइज है इस रूम का। ठीक है सर, सारे देख रहे हो आप, सब जितना भी काम देख रहे हो सर, ये सब साथ के साथ हो जाता है काम इसका। ये अटैच वॉशरूम है सर, अटैच बालकनी है इसके साथ 11x11 के रूम के साथ में। ठीक है सर, इस वॉशरूम के सर आपका रूम के साथ भी अटैच है, हॉल के साथ भी अटैच है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है तो आप बाहर से यूज़ करा सकते हैं सर। उसके बाद सर ये आपका किचन आ जाता है 6x9.5 का, ये आपका किचन है सर। किचन में नीचे का काम हम करवा के देंगे, ये स्लैब का पूरा नीचे का सेमी मॉडुलर रहेगा, फुल्ली मॉडुलर नहीं रहेगा सर। सर किचन के साथ में ये आपकी बालकनी आ जाती है, ये सर आपकी बालकनी है 5x12 की है, शानदार सर। ये सब पूरा व्यू आता है आपका, हमेशा ओपन व्यू रहेगा सर, रोड साइड है आपका, हमेशा व्यू रहेगा, सामने से मेट्रो जाएगी आपके। सर ये आपका मास्टर बेडरूम है,
ये मास्टर बेडरूम में आप एंट्री करते हो, इसका साइज सर 11x12 का है। अटैच वॉशरूम है सर, ये आपका अटैच वॉशरूम हो गया सर इसमें। उसके बाद आप रूम में देखेंगे सर, ये आपका अलमीरा के लिए जगह है, वार्डरोब। ये आपका बाहर बालकनी का रास्ता है सर, ये आपका रूम है। ये सर आप बालकनी में आते हो, ये आपका व्यू है सर बालकनी से, ये सर आपका व्यू आता है बालकनी से, ओपन व्यू है सर, सामने तक आपको दिखता है सामने सर। अपने आप ये एक मूर्ति खोल सकते हैं सर, ये सामने ग्रीन बेल्ट है, अरे हमेशा ओपन रहेगा सर। जितना कंस्ट्रक्शन होना था वो हो चुका है, अब कुछ भी होना नहीं है सर। ये हमारा कॉमर्शियल है नीचे, ये इतना ही रहेगा सर।